एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इजीएस्ट वे से आप अपने फॉल्स आईलैशेस को कैसे लगा सकते हो। तो इनिशियली मुझे भी बहुत ही मुश्किल होता था आईलैशेस को अप्लाई करना, फिर धीरे धीरे से जो है मैंने प्रैक्टिस किया, उसके बाद थोड़े बहुत जो है टेक्निक को सीखने के बाद मैंने अपने आईलैशेस को लगाना सीखा है। तो वही जो टेक्निक है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और ये बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप जानना चाहते हो इस टेक्निक के बारे में तो मेरे वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। लैशेस को लगाने के लिए हमको चाहिए आईलैशेस, और यहाँ पे मैंने फेक लैशेस ले लिया है और इस प्रोडक्ट का मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और उसके बाद हमको चाहिए लैश ग्लू, और यहाँ पे मैंने डुओ का लैश ग्लू लिया है और इसका भी जो है मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके बाद जो है हमको चाहिए ट्वीजर्स, और ट्वीजर्स जो है दो तरीके के आ जाते हैं, एक आके जो है शार्प एज है इसका और एक जो है यू नो इट्स वेरी फ्लैट। और अगर आप बिगनर हो तो आई वुड से कि आप यू नो ऐसा वाला ट्वीजर्स लीजिए, क्योंकि शार्प एजेस जो है इट्स वेरी डिफिकल्ट, जब आप लगा रहे हो पोक भी हो सकता है, तो इससे अच्छा है कि आई वुड सजेस्ट कि आप ये वाला ट्वीजर्स लीजिए। और उसके बाद हमको चाहिए मस्कारा इसको अप्लाई करने के लिए, और हमको चाहिए सीजर्स, और यहाँ पे मैंने बहुत ही छोटा वाला सीजर लिया है। बाद हमको चाहिए ये यू नो लाइनर। तो अब जो है मैंने यहाँ पे आईलैशेस ले लिया है और इसको जो है मैं क्या कर रही हूँ, इसको रिमूव करने के लिए मैं ये वाला ट्वीजर्स यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले इसको जो है यू नो रिमूव कर ले रही हूँ। तो हमको धीरे से इसको रिमूव करना है, अपने हाथों से इसको रिमूव नहीं करना है। तो जैसे आप देख सकते हो कि मैंने इसको रिमूव कर लिया है और इस ट्वीजर्स को मैं रख दे रही हूँ, और क्योंकि इसको मुझे कट करना है तो पहले बहुत सारे जो आईलैशेस होते हैं वो परफेक्ट साइज के नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो इसका जो शेप जो है यहाँ पे छोटा है और यहाँ पे बड़ा है, तो ये इसका जो शेप के अकॉर्डिंगली मैं अपने आईलैशेस को लगाऊंगी। उसके पहले जो है हमको आईलैशेस को अपने आंखों के ऊपर लगा के देख लेना है, क्योंकि थोड़े लोगों का जो आंख है वो बहुत ही छोटा होता है और थोड़े लोगों को बड़ा होता है। मेरा जो आंख है वो छोटा है तो उसके अकॉर्डिंगली मैं अपने आईलैशेस को चेक कर लेती हूँ मुझे कितना कट करना है करके। आईलैशेस को लगाते वक्त आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ना कि यहाँ से। तो आप जैसे देख सकते हो कि मेरा जो लैश लाइन है यहाँ से कुछ स्टार्ट हुआ है, तो मैं यहाँ से लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं पहले इसको लगा के देख ले रही हूँ कि ये कितना बड़ा है या छोटा है मेरे आंखों के हिसाब से। देख सकते हो कि ये जो लैश है थोड़ा बहुत मेरे आंखों से बड़ा है, तो इसको जो है मैं इसके एजेस को कट कर दूंगी। तो हमेशा जो है हमको इसके एज को है जो है बड़े साइड से कट करना है, ना कि छोटे साइड से। अगर आप इसको छोटे साइड से कट करोगे तो आपका जो लैशेस है वो सही से नहीं बैठेगा। हमेशा हमारे लैशेस को कट करना है बड़े साइड से। तो यहाँ पे मैं थोड़ा कट कर ले रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। अगेन मैं अपने आंखों में लगा के देख ले रही हूँ कि ये मेरे आंखों के परफेक्ट शेप में बैठ रहा है या नहीं। सो जैसे आप देख सकते हो कि ये मेरे आंखों में एग्जैक्टली बैठ रहा है, तो मैं इसको क्या करूंगी, इसको पहले जो है थोड़ा बहुत इस तरह करना है, इसको जो है थोड़ा बहुत ऐसे विगल करना है इस सामने की तरफ, ताकि ये आसान हो जाए आपको लगाने के लिए। कभी भी आप ग्लू को लगाते हो, ग्लू को जो है हमको बैंड के नीचे लगाना है और बैंड के ऊपर नहीं लगाना है, क्योंकि अगर ऊपर लगाओगे तो थोड़ा बहुत जो है वो स्प्रेड होके नीचे की तरफ चला जाएगा और वो जो है आपके आंखों में दिखाई देगा। जो है मैंने लिया है ग्लू, और ये जो ग्लू है ये आके वन ऑफ माई फेवरेट ग्लू है, क्योंकि ये बहुत ही आसान है इसको अप्लाई करना और एप्लीकेशन भी बहुत ही आसान हो जाता है। और जैसे आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे मेरा जो यू नो इसी को ही लेके मैं अपने आंखों के ऊपर पहले लगा रही हूँ एज अ लाइनर। और फिर उसके बाद जो है आपको इसको बैंड के नीचे भी थोड़ा बहुत लगा लेना है, ताकि आसान हो जाए। एजेस पे मैं यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लगा रही हूँ, क्योंकि एजेस जो है बहुत ही आसानी से निकल जाता है, और इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा लगा रही हूँ।
जैसे आप देख रहे हो कि सिर्फ मैंने इसको बैंड पे लगाया है और इसको छोड़ देना है 10 सेकेंड्स के लिए, 10 टू 15 सेकेंड्स तक छोड़ना है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत टैकी हो जाएगा तो आपका एप्लीकेशन जो है बहुत ही इजी हो जाएगा। तो इसको जो है मैं 10 सेकेंड्स के लिए छोड़ दूंगी। सो गाइस, ये ग्लू का ये खासियत है कि आप जब इसको अप्लाई करते हो ये जो ग्लू है ये आके थोड़ा बहुत व्हाइटिश में रहता है और ये 10 सेकेंड्स के बाद इमीडिएटली ये ब्लू टर्न हो जाता है। उसका मतलब ये है कि आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये ऑलरेडी अभी ये ब्लू हो चुका है, जैसे आप देख रहे हो ये ऑलमोस्ट लाइक ब्लू हो चुका है। सो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को कि ये किस तरह दिखता है। जैसे आप देख रहे हो ये ब्लू हो चुका है। तो अब जो है मैं अपने आंखों के ऊपर इसको लगा रही हूँ, जहाँ पे छोटा साइड है वहां पे उसको लगाना है। तो मैं थोड़ा जूम कर ले रही हूँ। तो अब जो है अब इसको मैंने अपने हाथों से लगा लिया है। तो यहाँ पे मैंने ट्वीजर्स को लिया है, इसको लेके जस्ट इसको बस दबाना है। तो इसको लेके जो है मैं इसको हल्के हाथों से इसको दबा दे रही हूँ। सो जैसे आप देख रहे हो कि मैंने ये वाला जो लैशेस है उसको लगा लिया है। अगर आपका जो ग्लू है थोड़ा बहुत दिखता है, तो आप जैसे देख रहे हो कि मेरा जो ग्लू है उतना नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिखने के लिए तो आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी लाइनर को ले सकते हो। यहाँ पे मैंने लाइनर लिया है, ब्लैक कलर का लाइनर, उसको लेके मैं अपने आंखों के ऊपर लगा ले रही हूँ। लाइनर लगाने के बाद इसी तरह सेम फेक लैशेस को मैं अपनी दूसरे आंख में भी लगा लूंगी। तो यहाँ पे जो है मैं मस्कारा लगा रही हूँ, दोनों हमारे जो फेक लैशेस और हमारे लैशेस को एक ही साथ करने के लिए, ताकि वो नेचुरल लगे। कोई भी ग्लू भी नहीं दिख रहा है और ये एप्लीकेशन भी बहुत ही इजी है। और जैसे आप इसको खींच भी लो, यू नो इट्स नॉट दैट इजी कि आप ये इजीली निकल आए। जैसे आप देख रहे हो कि मैं इसको खींच भी रही हूँ तो ये इतना इजीली भी नहीं निकल रहा है। और ये है मेरा फाइनल लुक विथ लैशेस। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड थैंक यू सो मच, ऐसे सपोर्ट करते रहिए एंड सी यू टिल माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।